प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है। वहीं केंद्र के फैसले का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस फैसले से लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। सर, आप कितना बड़ा फैसला है और कितना अहम कदम अभी के हिसाब से? बच्चों के हित में ये फैसला है और बच्चों को राहत मिली है, इससे हमें भी खुशी है। एक पेरेंट के रूप में, एक शिक्षा मंत्री के रूप में, दोनों तरह से मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों को अब 4 मई को जानबूझ के हम स्कूल में नहीं भेजेंगे, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे कोरोना हो सकता है उनको। तो इस दृष्टि से मैं देखता हूँ बच्चों के लिए बहुत खुशी की चीज़ है। पिछला साल हमने देखा बच्चों का कहीं ना कहीं खराब हुआ, काफ़ी कोशिशें की गई, उनको ऑनलाइन क्लासेस दी गई, अब फिर से हम उसी तरफ जा रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान होगा और इसको कैसे रिकवर किया जाएगा? नहीं, नुकसान हो सकता है अगर हम इस जिद पे अड़े रहते कि हम पुराने तरीके से परीक्षा कराएंगे। इसीलिए हम 4-5 दिन से इस बात को मांग कर रहे थे, लाखों बच्चे इस बात की मांग कर रहे थे। कल सीएम साहब ने भी बोला कि इस वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि पढ़ाई में एक नंबर कम या ज़्यादा रहेगा, हमें इस वक्त ये सोचना है कि हम एक एक बच्चे को कोरोना से कैसे दूर रख सकते हैं। और उस दिशा में ये एक अच्छा फैसला है जिससे बच्चों को राहत मिलेगी। 10वीं के बच्चों को राहत दी गई है पूरी तरह से, 12वीं के बच्चों की एंग्जाइटी अभी बनी हुई है। 12वीं के बच्चों के लिए भी अगर हम फैसला ले लेते कि जिस तरह से 10वीं के बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, वैसे ही 12वीं के बच्चों को भी असेसमेंट उसी तरह